अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बेसन की कुरकुरे सी सेव की रेसिपी, जो आपको है बहुत ही अच्छी लगने वाली है। इसके आप जो है मिक्सचर भी बना सकते हैं और शाम के नाश्ते में आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी खस्ता और करारी बनी है। ये जो है हम इसे नमकीन वगैरह में मिक्स कर लेते हैं, और बिना नमकीन वगैरह के भी आप इसे इस तरह शाम को चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पर जो है ले लिया बेसन आधा किलो, आधा किलो बेसन है उसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। उसके साथ नमक के साथ मैंने यहाँ पर डाला है लाल चम्मच पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। साथ ही में डालेंगे यहाँ हींग, एक चौथाई हींग पाउडर, और अजवाइन को जो है हाथों से क्रश करके डाल देंगे। यहाँ पर डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल। इस और सब में इसमें थोड़ा सा हम 1 पिंच के करीब आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर भी मिक्स करेंगे, और सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। और पानी देकर इसे बिल्कुल हम डो भी नहीं बनाना है इसको, और ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ इसको कि किस कंसिस्टेंसी में इसको रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसे हम गूंदेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए। ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी जो है डालते हुए मैंने इसे गूंद लिया है, ताकि बिल्कुल जो है अंदर से ये सॉफ्ट बनता जाए और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ऐसा रखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जैसे एक मिट्टी वगैरह हम देखते हैं ऐसा जो होता है, बिल्कुल इस तरह से ये देखिए हाथों में आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस तरह से हम इसे रखेंगे। इस पर एक बार और इसे जो है हम अच्छे से फेंट लेंगे। और इस तरह से हमारा बेसन जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इस तरह के सांचे में जो है इसे ऐड कर देंगे। इस तरह के फ्रेंड ये जाली वाली भी मिलती है, और जो भी आपके पास हो वो अवेलेबल आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है वो भर दिया अच्छे से, और इसके ऊपर का जो है एक और पंप टैप है उसमें लगाकर इसे गरम गरम ऑयल में जालीदार बनाते हुए फ्राई कर लिया है। मैं आई हुई अपनी मामी के यहाँ, तो उन्हीं के किचन में जो है मैं वीडियो शूट कर रही थी और ये बना रही थी खस्ता से जो है सेव कुरकुरे से एक तरह से पलट कर। फ्रेंड्स इसे जो है अच्छे से हम कुरकुरे होने के लिए रखा था, फिर दूसरी तरफ से 2 मिनट के लिए पकाया और ये रेडी हो गया है। और ये देखिए कितनी करारी सी है, खस्ता सी बनकर रेडी हुई है। इसको हाथों से तोड़ कर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही आपको जो है अच्छा लगने वाला है, होममेड सेव आपके बनकर रेडी हो जाएंगे। तो खाएं पिए और मस्त रहें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दें। मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।